हे गाइस, मैं हूं अंशर। आज मैं अपनी स्टेट टेक की वीडियो में लेके आया हूं आपके पास फॉर्ड इकोस्पोर्ट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इसके एक छोटे से ओवरव्यू के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और फिर हम जाएंगे कुछ इसके प्राइस वेरिएंट्स की तरफ और फिर हम बात करेंगे इसकी सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट सीसी से, जो कि इंजन के बारे में है। डिस्प्लेसमेंट सीसी के बारे में अगर देखा जाए तो 1500 सीसी की गाड़ी रहती है और माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर का देती है। इसमें ड्यूल क्लच और स्पोर्ट मोड और इसका ड्राइवर टायर फ्रंट व्हील ड्राइव है और इसमें फ्यूल टाइप जो है वो पेट्रोल है और पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए, और अगर आप डीजल लेते तो डीजल टाइप आएगा। और मैक्स पावर जो है वो 110 bhp है और टॉर्क जो है वो 140 न्यूटन मीटर टॉर्क है और नंबर ऑफ गियर्स जो है वो 6 विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेना पसंद करते तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, अगर आप मैनुअल लेते तो आपको मैनुअल मिलता है, सेम एज इन डीजल। सो अगर इसके व्हील्स एंड टायर्स की अगर बात की जाए तो व्हील जो है वो इसमें एलॉय व्हील्स रहते हैं और स्पेयर व्हील जो एक्स्ट्रा पीछे बैक में जो दिया रहता है वो भी एलॉय का दिया जाता है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सेफ्टी फीचर्स में गाड़ी काफ़ी अच्छी है, यानी कि एयरबैग इसमें 6 दिए गए हैं और चाइल्ड सीट, एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट, वार्निंग, ये सब तरह के फीचर्स में दिए गए हैं। ABS, EBD, NVAN, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दैट इज TCS, ये सब टाइप के 5 फीचर जो हैं, 5 जो मेन फीचर्स हैं ये सब इसमें मेन डाले गए हैं। लॉकिंग सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सेंट्रल लॉकिंग जो कीलेस है और इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सब टाइप के फीचर्स जो इसमें दिए गए हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर बात की जाए तो एयर कंडीशनर जो है वो इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। 12 वोल्ट पावर वोल्ट के जो आउटलेट्स हैं वो 2 दिए गए हैं, एक फ्रंट में और एक रियर में। सो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक रहता है। कीलेस स्टार्ट और बटन स्टार्ट भी ऑप्शन है इसमें, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और हेडलाइट ऑफ एंड इग्निशन की ऑफ रिमाइंडर ये भी दिया गया है। पार्किंग सेंसर रियर के लिए दिए गए हैं और पार्किंग एसिस्ट जो है वो रिवर्स कैमरा भी इसमें डाला गया है। इंटीरियर मिरर जो है वो मैनुअल है और वो इंटरनल से ही होते हैं, मतलब इंटरनल ही है। और वैनिटी मिरर और सन वाइजर जो है वो ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए रहते हैं। हीटर भी इसमें रहता है और साथ ही साथ अगर अपोजिशन की बात करें और सीट की बात करें तो सीट अपोजिशन का जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है फैब्रिक। अगर ये लेदर में होता तो काफ़ी सही लगता और काफ़ी स्मूथ लगता। तो अगर लेदर, अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील को लेदर से रैप किया गया है, जिससे आपको हैंडल पे हाथ रखते हुए काफ़ी अच्छा फील देता है। और ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट है और हेडरेस्ट जो है वो फ्रंट में रहता है और फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअली करना पड़ता है। साथ ही साथ ड्राइवर आर्मरेस्ट है वो भी दिया गया है। रियर पैसेंजर सीट्स जो है वो एडजस्टेबल है और वो मैनुअली करनी पड़ती है। और जो इंटीरियर है वो ड्यूअल टोन है और जो सब कलर है वो है ब्लैक एंड ग्रे। फोल्डिंग गियर जो है वो फुल रियर सीट जो फुली फोल्ड हो जाती है और जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट होती है, यानी कि उसमें 50-50 रेंज, 60-40 टाइप का फीचर इसमें दिया गया है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो फ्रंट एंड रियर का दिया गया है, फ्रंट सीट टॉप उसमें डाली गई है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है वो कप होल्डर, फ्रंट एंड रियर के लिए ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज और सनग्लास होल्डर, ये सब टाइप के फीचर्स में डाले गए हैं। और अगर हम लास्ट में बात करें एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर जो है वो सनरूफ, मूनरूफ यानी कि ऊपर का कांच काफ़ी लोग कहते हैं वो इसमें नहीं डाला गया है। रूफ रेल जो है वो इसमें दिए गए हैं और रूफ माउंटेड एंटेना, बॉडी कलर बम्पर्स, ये सब टाइप के ये 3 जो फीचर्स हैं जो कि एक्सटीरियर के लिए जो है ये गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं। लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग जो है वो फॉग लैंप्स फ्रंट के लिए रहते हैं, टेल लैंप्स कन्वेंशनल है और केबिन लैंप्स जो है वो फ्रंट एंड रियर दोनों जगह रहते हैं। और हेडलाइट एडजस्टर हाइट जो है वो भी इसमें रहता है और लाइट्स और वैनिटी मिरर जो है वो को ड्राइवर्स के लिए ही है। सो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी क्लॉक एंड लो फ्यूल लेवल वार्निंग एंड टैकोमीटर एंड इंस्टेंटेनियस कंजप्शन, ये सब टाइप के फीचर इसमें दिए गए हैं। वेरस अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड इन डैश म्यूजिक सिस्टम रहता है और हेड यूनिट साइज जो है वो 2 बीम है, यानी कि अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो टच स्क्रीन डिस्प्ले इसमें दिया गया है और इसमें GPS नेविगेशन रहता है और डिस्प्ले स्क्रीन और रियर पैसेंजर भी इसमें नहीं है। USB कंपैटिबिलिटी एंड AUX, ब्लूटूथ एंड MP3 प्लेबैक, CD प्लेयर एंड FM AM
एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड, ये सब टाइप के फीचर्स में रहते हैं। और वहीं साथ साथ कंपनी आपको इसमें देती है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी 1,00,000 किलोमीटर तक की, और ईयर्स में आपको 2 ईयर्स की इसकी वारंटी आपको मिलती है। तो गाइस ये तो था इसका एक छोटा सा एक ओवरव्यू। तो हम बात करते हैं कि इसमें इसकी प्राइस वेरिएंट्स में कितने मॉडल्स और कितने प्राइस क्या क्या इनके प्राइस रहते हैं। तो इसमें टोटल 20 वेरिएंट्स आते हैं और विद 3 तरह के इंजन के साथ और 2 ट्रांसमिशन और 2 फ्यूल ऑप्शंस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट्रोल वेरिएंट्स में मैनुअल में कितने कितने वेरिएंट्स आते हैं। तो अगर पेट्रोल में मैनुअल वेरिएंट्स की बात करी जाए तो इसमें काफ़ी नंबर ऑफ वेरिएंट्स दिए गए हैं, जो कि 7.31 लाख से शुरू होकर 10.69 लाख तक जाते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इंजन का वेरिएंस रहता है, तो इसमें सबसे हायर मॉडल में आपको 1000 cc का इंजन मिलता है। वेरस अगर आप इसमें लोअर अगर आप इसमें 3 मॉडल पीछे जाते हैं, यानी कि अगर आप 9.38 लाख का मॉडल लेते हैं तो आपको 1500 cc का इंजन मिलता है। वेरस अगर आप उसके और 6-7 मॉडल ऊपर जाते हैं तो आपको सेम 1000 cc का मॉडल मिलता है। पर अगर आप मैनुअल में ना जाके अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, जो हैं 10.18 लाख के और 10.33 लाख के पेट्रोल में। सो इन दोनों का जो सीसी है वो 1500 cc और ये ऑटोमेटिक है, और ये 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये देती है। तो डीजल की बात करें तो डीजल में ऑटोमेटिक के लिए कोई वेरिएंट नहीं दिया गया है, वेरस मैनुअल के लिए काफ़ी सारे वेरिएंट यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि 7.98 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक जाते हैं, जिसमें इन सभी के डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1500 है और ये मैनुअल रहते हैं। और साथ ही साथ ये एवरेज काफ़ी अच्छा खासा देते हैं, जो कि 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये दे देते हैं। तो ये तो था गाइस प्राइस ऑफ वेरिएंट्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें इसका मेंटेनेंस कॉस्ट 6 ईयर्स में कितना रहता है। 6 ईयर्स में डीजल के लिए जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो फर्स्ट सर्विस पे आपको 0 रुपीज़ देने होते हैं, और सेकंड सर्विस में 1700, थर्ड सर्विस में 4000 एंड फोर्थ सर्विस में 5000, फिफ्थ में 4800, सिक्स में 3500 एंड सेवन्थ में 4353। तो टोटल जो हो जाता है वो 6 ईयर का यानी 6 ईयर्स का 23843 का टोटल आता है। ये एक्स शोरूम दिल्ली का की इन्फॉर्मेशन है। और अगर हम पेट्रोल के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट अगर काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट सर्विस में एज यूजुअल 0 ही रहता है, और बाकी सेकंड सर्विस में और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इन सब सर्विसेज को मिला के टोटल 6 ईयर्स का ये रहता है 22050। सो गाइस अगर देखा जाए तो पेट्रोल वेरिएंट्स भी सही है और डीजल वेरिएंट्स भी अपनी जगह सही है, पर मेरे सजेशन में आपको पेट्रोल वेरिएंट्स में जाना ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन कम रहती है और आवाज़ और नॉइज़ काफ़ी कम रहती है, जिससे कि आपको बैठ के चलाने में या आपके फ्रंट पैसेंजर को प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो गाइस ये था एक छोटा सा ओवरव्यू पूरा फोर्ड इकोस्पोर्ट के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।